मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संजय शर्मा ऑल राउंडर पर। दोस्तों, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बात की हुई थी दयालुता के ऊपर, और आज हम बात करने जा रहे हैं दानवीरता के ऊपर। संसार में इतने लोग आते हैं, ठीक है, अधिकांश लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन सही मायने में जीना तो वो है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो आपके समाज में मान प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है, आपको आने वाली पीढ़ी कई टाइम तक याद रखती है। किसी ने किसी काम के लिए आप जब आप दान करेंगे, रियल मायने में दान है क्या, अगर आप जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो चीज़ प्रोवाइड करवा देते हो, वो दे देते हो, और ख़ासकर वो भी आप अपने हिस्से की, तो आप जैसा दानवीर कोई नहीं है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, निर्वस्त्र को कपड़े देना, अगर कोई स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है तो उसको शिक्षा देना, ये भी आप अपने आप में दानवीरता का काम है। दानवीर व्यक्ति का यश यत्र सर्वत्र सब जगह पर उसकी जो महिमा की जाती है। तो दान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसके लिए दयालुता भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने दयालुता की बात की थी, अगर जिसके अंदर दयालुता होगी वही ही दान कर पाएगा, क्योंकि दया से ही जो हमारा गुण जुड़ा होता है ये, और जिसके अंदर दया होगी तो वो उसके अंदर मानवता है, इट मीन्स मानवता है, तो वो ही फिर आगे जो है अपनी कुछ जो उसने कभी अपने बुरे टाइम के लिए कोई चीज़ें जोड़ के रखी हुई है तो वो किसी और को तभी डोनेट कर पाएगा। मान लो आपने अपने हिस्से के लिए कुछ पैसा जोड़ के रखा हुआ, लेकिन आपको सामने कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है, कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जो कि आपको लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो और वो बहुत बड़ी मुश्किल में है, तो उसको दान करने के लिए भी आपके पास दिलेरी होनी चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, तब जाके आप उसको कुछ दान कर सकते हो। कई बार ब्लड कैंप चले होते हैं, ठीक है, तो ब्लड देना भी एक बहुत बड़ा दान है। नेत्र दान करना अपने आप में बहुत बड़ा दान होता है। शरीर के पार्ट को, किसी भी पार्ट को अगर आप किसी और के लिए दान कर देते हो तो ये बहुत बड़ा दान कहलाता है। दान वीरता या फिर दान करना, ये गुण जो है आपको जो सुकून दिलाता है। कई बार क्या होता है कि धन है लेकिन आप किसी को देते नहीं, भोजन है वो खराब हो जाएगा लेकिन आप आपको लगता है सामने वाला कोई अगर गुजर रहा है और वो भूख से तरस रहा है तो उसको आप खिलाएंगे नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप सर्वप्रथम दयालुता का गुण, मानवता का गुण अपने अंदर रखें, क्योंकि जितनी भूख हमें लगती है सामने वाले को भी, गरीब हो चाहे उसको भी वैसी भूख लगती है। चाहे जब हम कुछ दान करेंगे तो उसकी दुआ जो होती है वो हमें काम कर जाती है, और दान करने से कोई चीज़ कम नहीं होती बल्कि कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ये हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमें लगता प्रत्यक्ष रूप से तो हमने उन्हें कुछ दिया और वो हमें दिखा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा या प्रकृति हमें जो देती है वो उस चीज़ का वो कई गुना होता है और वो हमें दिखता नहीं।
दान करने से चीज़ें कम नहीं होती, बल्कि वही चीज़ें बढ़ जाती है। अगर आप ज्ञान दान करते हो तो ज्ञान दान करने से ज्ञान बढ़ जाता है, धन दान करने से धन बढ़ जाता है। आप जिस चीज़ का दान करेंगे वो चीज़ें नेचुरली बढ़ जाती है। ठीक है, तो दान करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो ऐसे पुण्य का काम करने का अगर बाय चांस आपको कभी मौका मिलता है तो आप पीछे तो ना इस आ जाए। प्रकार दान की महिमा अपरम अपार है।